चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट में जाने से पहले एस्ट्रोनॉट एलिसन ओनिजुका को उनकी बेटी ने अपनी सॉकर बॉल गुड लक के तौर पे दी थी। ये बॉल उन्होंने अपने केबिन के लॉकर में एक काले बैग में रखी थी। स्पेसक्राफ्ट तो लिफ्ट ऑफ के 73 सेकंड्स के बाद हवा में फट गया, लेकिन मौजाना तौर पे ये सॉकर बॉल बच गई जो सर्च पार्टी को सही सलामत मिली थी। ये बॉल एलिसन की बेटी को वापस कर दी गई और इसको स्कूल में ही डिस्प्ले करके रख दिया गया। 30 सालों के बाद एस्ट्रोनॉट शेन किम्बोग ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने से पहले ये बॉल स्कूल से ली और उसको अपने साथ ISS ले गए। 2017 में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक इमोशनल फोटो ट्वीट की जिसमें वही सॉकर बॉल जीरो ग्रेविटी में तैर रहा था जो 30 साल पहले चैलेंजर डिजास्टर की वजह से स्पेस में नहीं जा पाया था।